मैं कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे मेरे माँ बाबू के चेहरे से ये मुस्कुराहट हटे, चाहे मेरे ऊपर निजी तौर पर कुछ भी बीत रही हो, मेरा वादा है। रणदीप हुड्डा की लिखी ये लाइंस यूं तो उनके माँ पापा के लिए हैं, लेकिन अगर उनके लिखे शब्दों को समझे तो साफ तौर पर ये डिप्रेशन या निजी तौर पर परेशानी झेल रहे लोगों को भी ये समझाने की कोशिश है कि जिंदगी में भले ही कितने भी उतार चढ़ाव आए, पर हमेशा अपने नियर और डियर वंस के बारे में सोचकर कभी कोई ड्रास्टिक स्टेप नहीं लेना चाहिए। अपने मॉम डैड की 49th मैरिज एनिवर्सरी पर उन्हें विश करते हुए रणदीप हुड्डा ने एक और ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, A happy 49th मैरिज एनिवर्सरी टू माई लवली पेरेंट्स #आशा हुड्डा एंड #डॉक्टर रणबीर सिंह हुड्डा। आई वुड नेवर वॉन्ट टू डू एनीथिंग टू वाइप द स्माइल ऑफ देयर फेसेस नो मैटर वॉट एंग्विश आई माइट बी गोइंग थ्रू पर्सनली। बॉलीवुड के यंग एंड टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डिमाइस के बाद उनके फैंस और पूरा बॉलीवुड अभी तक शॉक्ड है। सुशांत के दुनिया से यूं चले जाने के बाद रणदीप हुड्डा ने भी सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर करते हुए लिखा था, नो मैटर हाउ मेनी रीजंस, वन रीजंस, इट्स स्टिल अनरीजनेबल, ओनली गुड टाइम्स टू रिमेम्बर #सुशांत सिंह राजपूत, होप देयर इज पीस ब्रो। ऐसे में आज अपने मॉम डैड को उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर विश करते हुए उन्होंने उनसे ये वादा भी किया कि वो कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो उनके माँ पा को जिंदगी भर का गम दे जाए। सुशांत सिंह राजपूत की दुनिया को यूं अलविदा कहने के बाद आज उनका परिवार गहरे गम में है। विवेक ओब्रॉय ने भी अपने एक पोस्ट में सुशांत के फादर और उनकी सिस्टर के उस दर्द को बयान किया जो उन्होंने सिर्फ 34 इयर्स के सुशांत के क्रिमेशन पर देखा था। When I saw his father today, having to light the fire at the cremation, the pain in his eyes was unbearable. When I heard his sister weeping, begging him to come back, I can't express how deeply tragic it felt. विवेक ओब्रॉय ने अपने इस पोस्ट में ये भी लिखा, Being at Sushant's cremation today was so heartbreaking. I truly wish I could have shared my personal experience and helped him ease his pain. I have been through my own journey of pain. It can be very dark and lonely. But death is never the answer. Suicide can never be a solution. I wish he stopped to think of his family, friends and the millions of fans who are feeling this tragic loss today. He would have realized how much people care. सुइसाइड कभी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता है। आज सुशांत भले ही चले गए हैं, लेकिन पीछे छोड़ गए हैं ऐसी यादें जिन्हें ना कभी उनका परिवार भुला सकता है, ना उनके फैंस, ना ही उनके करीबी दोस्त। Watch E Town News Monday to Friday at 9:30 PM only on Zoom.